हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डेडपूल से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे थॉर के बालों के बारे में, क्योंकि थॉर के बाल वापस आ रहे हैं लव इन थंडर में। देन उसी के साथ बात करेंगे स्पाइडरमैन की न्यू सेट इमेजेस में, जिसमें कि माइल्स मोरेलिस का दावा करा जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट तो वही है, और देन उसी के साथ गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल के एकदम ऑफिशियली अपडेट के बारे में। तो केविन फाइगी, जो कि मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आईजीएन में इंटरव्यू दिया काफी टाइम पहले। ये अपडेट थोड़ा पुराना है, पर आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि क्या अपडेट चल रहा है डेडपूल का। तो केविन फाइगी ने जब आईजीएन में इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि डेडपूल का क्या फ्यूचर है, तो केविन फाइगी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि डेडपूल की मूवी आएगी फेज 4 में, और इस साल से उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली कि डेडपूल मार्वल फेज 4 की पहली आर रेटेड होगी। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं इसको जानकर तो काफी ज्यादा खुश हूँ। देन इसी के साथ डीसी की एनिमेशन मूवी जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। काफी टाइम पहले मैंने इसका अपडेट दिया था, पर वीडियो में अब इंक्लूडिंग करा है। देन उसी के साथ स्टार वॉर्स की न्यू अपकमिंग टीवी सीरीज ओबी वैन केनोबी में आपको स्टार वॉर्स में पहले गुरु देखने को मिलेंगे ओबी वैन के। जी हाँ, वो रिटर्न हो रहे हैं इस टीवी सीरीज में। देन उसी के साथ होमलैंडर एक्टर ने कंफर्म कर दिया कि द बॉयज की इस साल शूटिंग हो जाएगी अप्रैल के महीने से। जी हाँ, हमें तीसरे सीजन की सेट इमेजेस देखने के लिए अप्रैल से देखना मिल जाएगा, मतलब धीरे धीरे। देन हाउंटिंग हिल हाउस के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो बैटमैन के विलेन के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं हॉरर टाइम में, क्लेफेस, जो कि बहुत कमाल का अपडेट है। देन मैट, जो कि मार्टिन मूवी में और आपको थॉर मूवी में देखने को मिल चुके होंगे, वो दोबारा से लव इन थंडर में कास्ट करे गए हैं, पर कौन सा रोल ये क्लियर नहीं हुआ है। देन उसी के साथ एक्स्ट्रा एक्शन की शूटिंग पार्ट 2 इसी साल स्टार्ट हो जाएगी, और एक प्रिक्वल मूवी होने वाली है, और जो भी एक्स्ट्रा अपडेट्स होगा मैं आपको बता दूंगा। देन उसी के साथ मॉर्बियस इस साल रिलीज नहीं हो रही है, ये पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी, पर अब ये अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। जी हाँ, यानी कि 2022 में। देन उसी के साथ अगला अपडेट है, माइकल ने फाइनली अपने इंस्टाग्राम पर हैंग पेंग के किरदार की इमेज डाली है, और देन इस साल से उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। देन उसी के साथ अगला अपडेट है मैंडलोरियन सीजन 3 की, इस साल से अप्रैल के महीने से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, और देन ये टीवी सीरीज अगले साल रिलीज होगी 2022 में। और उसी के साथ आपको बता दूं कि थॉर 4 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और देन ऑफिशियली पूजा पाठ करवाई गई है, और देन इंडिया में एक्सट्रैक्शन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और देन थॉर के साथ भी अब ऐसा ही हुआ है, पर इनका तरीका कुछ अलग है। स्पाइक किड्स फाइनली रिबूट हो रही है, अगर आपने इसके तीनों पार्ट नहीं देखे तो गाइस जाके देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की मूवी है। अब इसका रिबूट वर्जन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। देन अप्रैल से स्टार्ट हो रही है फ्लैश मूवी। जी हाँ, फ्लैश का फाइनली शूटिंग का अपडेट आ चुका है कि ये अप्रैल से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन उसी के साथ बैटमैन के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि वो डार्क बैब यानी कि डार्क जस्टिस लीग पर भी टीवी सीरीज बनाएंगे। वो ऑलरेडी और भी टीवी सीरीज पर काम कर रहे हैं, पर उन्होंने इस चीज़ का भी कंफर्मेशन करा है। और देन बैटमैन की शूटिंग मार्च में खत्म हो जाएगी। जी हाँ, अपडेट आ रहे हैं, प्रेडिक्शन आ रहा है कि मार्च तक इसकी शूटिंग फिनिश हो जाएगी। उसी के साथ एक अपडेट एक और आया है, रूमर, जो कि स्पाइडरमैन 3 से रिलेटिव है, कि आपको उसमें वांडा भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो बहुत सारे कैरेक्टर इंक्लूडिंग होते जाने धीरे धीरे। देन इसी के साथ आप बात करते हैं सेट इमेजेस के बारे में। तो आई बिलीव एक पोस्टर देखने को मिला है स्पाइडरमैन सेट इमेज पे, जिसमें कि मिस्टीरियो दिखाया गया है। क्या आप मिस्टीरियो पे बिलीव करते हैं? तो हाँ, काफी लोग बिलीव करते हैं। देन उसी के साथ कुछ और इमेजेस आई हैं, जिसमें कि DSLR पर अंगूठा रखा हुआ है, कौन सा कैरेक्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और देन उसी के साथ एक और इमेजेस आई है, जिसमें कि पूरा ब्लैक पट्टी लगा दी है। देन काफी लोगों का मानना है कि ये शायद टॉबी या फिर एंड्रू हो सकते हैं, इसके सीक्रेट रखना चाहते हैं, पर रुक जाइए अभी। अब माइल्स मोरालिस के कुछ अपडेट्स आए हैं। स्पाइडरमैन 3 में जो गरीब लोग हैं, उनको खाना खिलाने के लिए आंट मैन ने अपनी एक कंपनी छोटी सी स्टार्ट चालू करी है, जिसका नाम है फेस्ट। आप देख सकते हो ट्रक पे लोगो लगा हुआ है, और देन वॉलंटियर का काम करेंगे माइल्स मोरालिस, और उनका खुद का एक CGI सूट इसमें हमें पहनते नजर आ रहे हैं, ऐसी थ्योरी आई है जो मैंने आपको क्लियर करी है। देन उसी के साथ ब्लैक पैंथर 2 में आपको देखने को मिलेंगे माइकल बी जॉर्डन। जी हाँ, वो दोबारा से इस कैरेक्टर के लिए रिटर्न हो रहे हैं। और देन अब बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। तो थॉर के जो आर्टिस्ट है, हेयर ड्रेसर है, वो थॉर के बालों को तैयार कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से इनके बाल देखने को मिलेंगे। देन पॉल वेटनी चाहते हैं कि वो दोबारा से सोलो 2 में देखने को मिले। जी हाँ, पहले तो वो मर चुके हैं, पर वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से कैरेक्टर की रिटर्न हूँ। और देन सजैम की शूटिंग इस साल से स्टार्ट हो जाएगी, और ये इमेज डालते हुए एक्टर ने कंफर्म कर दिया। जी हाँ, तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो गाइस, ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट, और देन इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स होंगे, कंफर्मेशन होंगी, तो मैं आपको तुरंत अपडेट देता जाऊंगा। तो गाइस, आज के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।